खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का मुमकिन खिलाड़ी या जो खिलाड़ी जिनको फिज़िकल फिटनेस कैंप में तलब किया गया था, दावत दी गई थी काकुल में, उनकी मेहनतें वहाँ पर जारी हैं, मश्क जारी है। देखना यह है कि इसका ये क्या रंग लाती है इतने दिनों की मेहनत, और क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी इस हद तक फिज़िकल फिटनेस को नज़रअंदाज कर रहे थे कि इनको वहाँ पर बुलाना पड़ा है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इस हवाले से कि क्या वाकई आज के दौर में भी एक प्रोफेशनल क्रिकेटर अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को इस हद तक नज़रअंदाज कर सकता है। और ये पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से अगर बात करते हैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ढकी छुपी है या किसी ने पहली मरतबा देखी है। वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से पाकिस्तान के अजीम खिलाड़ी भी मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ हवालों के ज़रिए ये गुफ्तगू करते रहे हैं कि इस टीम के फ़िज़िकल फ़िटनेस ठीक नहीं है। फिर दौरा ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान ने मैचेस खेले, वहाँ से भी चीज़ें ये निकल कर सामने आई हैं। अब देखना यह है कि ये जो कैंप है ये किस हद तक इनको मदद करता है या नहीं करता है। गुज़िश्ता दिनों तो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर ये भी बात हुई थी कि इनको नुकसान हो जाएगा खिलाड़ियों को इस कैंप का, क्योंकि जितनी सख्त मेहनत इनको करवाई जाएगी, हो सकता है कि इनका जिस्म उसका आदी ना हो तो खिलाड़ी उसके लिए उतने ज़्यादा जिस्मानी तौर पर तैयार ना हो। बहरहाल इस पर भी बात रहेगी। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इतला आते हैं कि ओवरहॉलिंग हो रहे की तैयारियाँ हो रही हैं, उखाड़ पिछाड़ होगी, असर नौ महकमों शोबों को तरतीब दिया जाएगा, कुछ लोग जाएंगे कुछ लोग आएंगे, और ये यकीन रखें कि जो जा रहे होंगे वो किसी के मनपसंद होंगे, जो आ रहे होंगे वो किसी की आंख का तारा होंगे। इसलिए यहाँ पर अगर आप ये समझें कि खालिस्तन मेरिट पर फैसले होंगे तो मेरिट वही होगा जो साहब ने चाहा होगा, इस पर भी गुफ्तगू रहेगी। फिर न्यूज़ीलैंड ने अपनी टीम का ऐलान किया जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलना है। पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में सामने आ सकते हैं, किन किन खिलाड़ियों पर निगाह है, ये भी सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ की, तो उस हवाले से भी चीज़ें अब हतमी तौर पर आगे की तरफ बढ़ रही हैं। तमाम मौजूदात पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है पीजे मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम पीजे साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल। ओवरहॉलिंग हो रही है पीजे साहब? आपने जो बातें की हैं ये ऑनेस्टली ये हमारे क्रिकेटिंग फ्रटर्निटी के अंदर ये डिस्कसिंग पॉइंट्स हैं। बिल्कुल ओवरहॉलिंग हो रही है, क्योंकि पीसीबी मेरी नज़र में एक बस स्टॉप है। बस स्टॉप ये है कि कोई आता है कोई जाता है, कोई कंटिन्यूटी आपकी है कोई नहीं है। आपने चेयरमैन का हाल देख लिया, किस तरह आते हैं किस तरह जाते हैं। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे यू क्वाइट राइट, हर बंदा अपनी वो एक लेके आता है। देखें ये वो इदारा नहीं है गवर्नमेंट का या कोई कि जिसके अंदर आप कहें नहीं ये मेरा ये मेरा। यहाँ आपने लोग लेके आने ऑन मेरिट ऑन दोज प्रिंसिपल्स के शायद आपको कोई आदमी पसंद ना आए, बट इफ़ यू कैन डिलीवर उसको भी लेके आओ। हमारा ये नहीं है इमरान, हमारा ये है कि यार ये बड़ा चंगा है एनू लेके आओ। क्यों? क्योंकि मेरा फेवरेट है। अगर आपने इस तरह बोर्ड को किसी ने चलाना है, मैं मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी ने चलाना है तो आप क्रिकेट की तरक्की और उसकी प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं करेंगे। ये क्या बात है? अभी आपने एक सवाल इतना छोड़ दिया है कि ओवरहॉलिंग ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में होता है, ये टेस्ट एंड काउंटी क्रिकेट बोर्ड में होता है, ये ICC जो भी है हमारे ECB कहीं होता है, इंडिया में होता है। आप एक बंदे को चेंज करते हो चेयरमैन को, और वो चेयरमैन वो लेके आते हो हु अंडरस्टैंड्स क्रिकेट, दैट्स व्हाट द बॉटम लाइन इज। आपने कोई नॉन क्रिकेटर देखा है कहीं? प्लीज़ टेल मी। हर एक ने क्रिकेट खेली हुई है कहीं ना कहीं एंड एट अ गुड लेवल। तो आप उसको देखते हो बिकॉज वो उसके पास पहले रंजिशें होती हैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर। अच्छा, ग्रास रूट की हम बात करते हैं, अभी हम बात कर रहे थे सिंध किसकी, सिंध प्रीमियर लीग की, इसको कोई तवज्जो देता है? KPL ले लो। वो जो चेयरमैन है इमरान, आज मैं पब्लिकली बताता हूँ, 25 करोड़ अपनी जेब से लगाया। कितने? 25 करोड़ रुपया। तौकीर सुल्तान है उसका नाम, मैं नाम भी लेता हूँ। 25 करोड़ उस आदमी ने लगाया है, वो रिटर्न क्या है एट द एंड ऑफ द डे? PCB उस बहुत कमाया भी तो होगा ना? कुछ भी नहीं। PCB उनके वो फ्रेंचाइजी को पैसे नहीं दे रहे, दे नॉट इवन हेल्पिंग देम। ये आप जो बात है ना, ये होती है प्रॉब्लम। ये कौन सुनेगा मुझे बता दें आप? तो हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, जो एक्चुअल मैकेनिज्म के अंदर आपके पुर्जे हैं, पुर्जे ठीक नहीं हैं। इन पुर्जों को आप उसी वक्त ठीक करोगे कि आप ग्रास रूट पे PSL को आगे उसके रेक्टिफाई करो, KPL को करो। और KPL क्या है? हाँ, इंडिया को तकलीफ हुई थी कि KPL बनी थी, कि ये क्यों, ये कश्मीर है, उन्होंने कश्मीर, याद है आपको? हैं, और ये तो हमारा एक फोकस पॉइंट है क्रिकेट का, हम दुनिया में लेके जाएं कश्मीर प्रीमियर लीग। इंडिया ने किया है, हम कर रहे हैं। नो प्रमोशन,
नन व्हाटसोएवर। सो हमें नेशनल इंटरेस्ट को भी तो देखना है ना। सही है, आपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी देखना है, नेशनल इंटरेस्ट को देखना है। एंड बदकिस्मती से जो आप सवाल कर रहे हैं, ओवरऑल आप नीचे से देखो, आप नीचे से ओवरऑल सर, ये एक फ़र्ज़ कर लें, दो डायरेक्टर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उनको हटा दिया तो नए लोगों को लगा दिया, क्या इसका मतलब ओवरहॉलिंग है या इसी का मकसद ओवरहॉलिंग है या इसी को ओवरहॉलिंग कहा जाएगा? और क्या फिर दूसरा, क्या वाकई इस वक्त ये ज़रूरत है कि इसको आपने ओवरहॉल करना है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। द क्वेश्चन इज जाकिर हुसैन, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट, जाकिर खान, ठीक है जी। जाकिर हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, कई चीज़ें आप कहेंगे वो ठीक नहीं है, ये नहीं, बट यूज इज एक्सपीरियंस इन द बैकग्राउंड। अगर नया लड़का भी कोई लेके आ रहे हो आदमी, बट गेट जाकिर टू बी अ कंसल्टेंट, वाई नॉट? रिस्पॉन्सिबिलिटी नए पर अगर आपने डालनी है तो क्या रॉ हैंड आप इस पोजिशन पर लेके आओगे? जाकिर का रेपो है विद ऑल द इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, ये जो नया बंदा है इसका रेपो है, ये तो बात नहीं कर सकते नहीं, तो उसको फिर क्यों जब खत्म, क्या वो उनकी कुछ सेहत के मसाइल हैं या कोई वैसे वो काम नहीं करते थे जो उनको घर भेज दिया? जाकिर मेहनती है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत मेहनत है, इसको मैंने देखा है, इसका रेपो किस तरह रहा है इंटरनेशनल क्रिकेटर्स से, अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़े अच्छे इसके ताल्लुकात हैं, बट प्रोबेबली यू नो इट एंड आई नो इट कि व्हाट इज द रीजन, ठीक है ना, छोड़ दें, बातों में नहीं जाते हैं, लेकिन यदि लेकिन काम के एतबार से आप समझते हैं कि वो उस जगह पर उनको होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, एब्सोल्युटली। देखो मैं मेरिट का करता हूँ, मैं बात मेरिट की, लेकिन अगर मेरिट की बात करते हैं, आपने ओवरहॉलिंग की भी जिक्र कर दिया है, जो कि खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ओवरहॉलिंग की तरफ जा रहा है, तो मोहसिन नकवी साहब के होते तो जाकिर खान नहीं आते ना फिर? ये आपने वो कहते ना डबल एज स्वॉर्ड आपने डाली है, ये सही आप बात कर रहे हो, ये नहीं आते, लेकिन मैं तुम अगर मोहसिन को मिलता हूँ मैं तो कहूँगा कि मोहसिन आप मेरिट के ऊपर बंदे ला रहे हो ना, ये मेरिट का आदमी है, रखो इसको, आप आपकी क्या इससे इख्तलाफात है, आप इनके काम को देखो, यू फील। तो सलमान बट भी मेरिट पे आते हैं, अगर आपने क्रिकेट कोचिंग के एतबार से बात करनी है तो वो भी, आपने हर एक को कर लिया, वो कौन सा जज था जिसका आया था, मर गए बेचारे, जस्टिस कयूम, कयूम आप उनके बंदे भी वापस ले आए, ठीक है, तो सलमान बट की क्या प्रॉब्लम है मुझे बताएं? सलमान बट का क्रिकेटिंग ब्रेन इज अ वेरी फाइन ब्रेन, यू नो इट, हर चीज उसकी अच्छी है, उसकी एबिलिटी एज ए प्लेयर वाज एक्सलेंट, ही इज कोचिंग हियर एंड डीएचए एंड ही इज प्रोड्यूसिंग गुड चिल्ड्रन, गुड क्रिकेटर्स, तो आप उसको क्यों नहीं यूटिलाइज कर सकते? मुश्ताक अहमद को क्यों नहीं कर सकते आप, ठीक है ना? तो द क्वेश्चन इज, अच्छा फिर ये यहीं से बात है कि फिर मेरिट किसका नाम है, किस चिड़िया का नाम है? मोहम्मद याकूब साहब खेलों के सीनियर सहाफी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, याकूब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम याकूब साहब, ये पीजे मीर साहब भी स्टूडियोज में मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ओवरहॉलिंग के हवाले से सुनने को मिल रहा है, जब भी कोई चेयरमैन आता है ये एक उसका ख़ास जुमला है, उसके इर्द गिर्द के लोगों का भी, तो आपको लगता है वाकई ये ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है या फिर नापसंदीदा को निकालना और अपने पसंद के लोगों को लाने का नाम ओवरहॉलिंग है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा सलाम दीजिएगा पीजे मीर साहब को, और दूसरी बात है कि ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये होती रहे, ये अपने आदमी को लाने का ही काम होता है, और अगर उन्होंने अगर सिंसियर काम करना है, वाकई इसकी ओवरहॉलिंग करनी है, उसको पीसीबी को डिसेंट्रलाइज किया जाए, जो पावरें सारी संभाल कर ये बैठे हुए हैं क्रिकेट बोर्ड में, 900 जो मुलाजमीन है, अगर ये काम जैसे दुनिया चल रही है, बीसीसीआई चल रहा है, जैसे ईसीबी चल रहा है, उनकी जो स्टेट है, उनकी जो रीजन्स की जो काउंटी क्रिकेट की तंजीमें हैं वो काम कर रही हैं, इंडिपेंडेंट काम कर रही हैं, इनको उस तरफ लाना पड़ेगा और रीजन्स को आजाद करें, ये रीजन्स अपना काम खुद करें, स्टेडियम का कंट्रोल भी इनको दें, ये जैसे दुनिया में हो रहा है, इनको ये फेस वाइज हो गए याकूब साहब, ये सारे काम अगर ये सारी चीजें अगर उनको दे देंगे तो चेयरमैन कहेगा फिर मैं क्यों हूँ यहाँ पे, मेरा क्या काम है यहाँ पे? सर इंटरनेशनल देखे ना, इंटरनेशनल बहुत क्रिकेट है आपके पास, आपने पीएसएल करवानी है, टीमें जानी है, वर्ल्ड कप है, कितना काम है आपके पास, तो दुनिया तो ऐसी चल रही है, आप देखें बीसीसीआई आपका उसके पैटर्न देख लें, फॉलो कर लें, वो कामयाब पैटर्न हुआ है, और वो आस्ता सब अपने पांव पर खड़े हो चुके हुए हैं, ईसीबी की सारी काउंटी अपने पांव पर खड़े ही हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया का भी यही हाल है, तो जिन्होंने ताकत का मंबा खुद बनकर बैठ जाते हैं उनकी कभी ओवरहॉलिंग नहीं हो सकती, वो वहां पर वो हो सकता है जैसे आप कहते हैं
ये अपने बंदे ले आए, जैसे उन्होंने साथ गवर्नमेंट का ऑफिसर ले आए हैं जिनका तल्लक कोई नहीं क्रिकेट के साथ, जिस लेवल पर पीसीबी को काम करना है उस लेवल पर नहीं है उनका। तो जिम खाने में काम करता रहा है तो ये कोई मसला, ये कोई वो मेयार नहीं है, वो मेरिट नहीं है। तो ये मेरे ख्याल ओवरऑलिंग नहीं होगी, ये वही अपने लोग लाए जाएंगे। अगर सिंसियर है तो ये डिसेंट्रलाइज करें।